नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका वैकेंसी अड्डा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों फिर से आपके सामने एक नया वीडियो जो बेरोजगारी भत्ते से संबंधित है और इसमें आ रही बार बार परेशानियों के सॉल्यूशन से रिलेटेड इस वीडियो में आप देखेंगे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चार से पांच फॉर्म है जिसमें एनेक्शर फर्स्ट और इनकम आई एंड के और एक दूसरा जो शो घोषणा पत्र है एट वन बिंदु टू का जो सबसे इम्पोर्टेंट है और न्यू नोटिफिकेशन जो ग्यारह जून 2019 को निकला है उसके बाद के जो फॉर्म्स हैं उनके अपडेट्स के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ वैकेंसी एट द यूट्यूब चैनल और इस बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड वीडियो लेके दोस्तों हमारे दूसरे वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आए हैं जिससे जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं आय घोषणा पत्र है एनेक्सर वन है और ये जो भी चार फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ इन चार फॉर्म को कैसे फिलअप करना और कैसे अपलोड करके इसको डालना है उससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में तो कहीं नहीं एगा और सबसे इंपोर्टेंट इस वीडियो में आप देखेंगे कि ई साइन कैसे करना है डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्स को ई e साइन करने के लिए आपको एक आ, बहुत सिंपल तरीका बताएंगे उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट ई साइन करके कैसे अपलोड कर सकते हैं तो देखिए और कंटिन्यू रहिए हमारे साथ और ई e साइन करने के लिए क्या प्रोसीजर आपको यूज करना है तो सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाई स्टेप होगी तो कंटिन्यू रहिए हमारे साथ में और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में बने एक बेल आइकन है उस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा जो ये बेल आइकन है इस बेल आइकन पर अगर आप क्लिक करते हैं क्लिक करने के साथ ही इस तरह से निशान आ जाता है अगर आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों उससे बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आप तक मैसेज के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह से आपको कौन सा वीडियो अभी मिला है और कौन सा हमने नया वीडियो बनाया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बेरोजगारी बत्ते की दोस्तों एस एस लॉगिन करना होता है सबसे पहले आपको तो आप एस एस लॉगिन कीजिएगा अपना सबसे पहले और एस एस लॉगिन करने के साथ ही जैसे ही आप एस एस कर लेते हैं तो एस एस लॉगिन करने के बाद में आपका जो एस एस नेम है आईडी का वो और फिर उसके बाद में पासवर्ड डालना होता है जैसे ही आप ये दो डाल देते हैं तो जैसे ही डालने के बाद आपको कैप्चा भरना होता है और कैप्चा फ़िलअप करने के बाद आपको लॉग करना पड़ता है जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपका जो होम पेज होता है एस एस का वो होम ओपन हो जाता है क्योंकि दोस्तों ज्यादातर कैंडिडेट्स ने जो बेरोजगारी पत्ते का आवेदन कर रखा है तो उसको लोगों आपको पहले ही मिल जाता है, है, वो आपको मिल जाती है। तो जैसे ही इस तरह से आप इसको लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये एक आता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस का ये सभी के कॉमन मैसेज है जिसको आप देख सकते हैं तो इस तरीके से आप ये फॉर्म फिलअप है जो मैं कर रहा हूँ देख सकते हैं और इसमें आप इस पर लॉग करते हैं जैसे ही लॉग करते हैं ओके okay करते हैं और ये कंटिन्यू का ऑप्शन आता है इसमें आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कैसे होता है जैसे ये फिलअप होता है और उसके बाद में एक ऑप्शन आता है ये पेंडेंसी का ये पेंडेंसी पे आपको क्लिक करना होता है जैसे ही पेंडेंसी पे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो मेन पेज है वो खुल जाता है अब जैसे ही मेन पेज को खोलते हैं तो मेन पेज पे आपको सारी बेसिक डिटेल मिल जाती है जैसे ही डिटेल आपको मिलती है तो आप उसको आगे बढ़ते हैं और ये आपका जो मेन जो काम रहता है वो आप देख सकते हैं इसके बाद जैसे ही ओपन होता है आपको सेंड ओटीपी करना होता है सबसे पहले आपके मोबाइल पे ओटीपी भेजना होता है आधार के बेसिस पे और जैसे ही आधार की जो डिटेल्स डिटेल ओटीपी आपके मोबाइल पे आती हैं उसको इस बॉक्स के अंदर फिलअप करना होता है इस बॉक्स में और जैसे ही ओ टी पी फिलअप करते हैं तो आगे जो भी डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके डालने उसकी प्रक्रिया चालू कर सकते हैं विदाउट ओ टी पी वेरीफाई का आप कुछ भी नहीं कर सकते सबसे पहले आप ओ टी पी का जो ऑप्शन आता है उसको क्लियर कर दें और यहाँ ओ टी पी डालें उसके बाद ये जो ऑप्शन है स्टेप बाई स्टेप आपको जो भी अपलोड करना है दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या अगर आप पहले यो जो भी चार डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उसको अपलोड करते हैं तो आपको जो ई साइन वेरीफाई बाद में करना पड़ता है और आपको बेहतर ये रहेगा कि जिस तरीके से मैं आपको आइडिया दूं उस आइडिया से करें देखो ये ओ टी वेरीफाई हो गया है अब आपको करना क्या सबसे ऊपरी जो ऑप्शन है ये मूल निवास का जो आपने पहले से कर रखा है उसको आपको क्या करना है व्यू ऑप्शन पे जाके उसको डाउनलोड करना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये डाउनलोड होने के बाद ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये ई साइन का वेटिंग है ई साइन मांग रहा है ये तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं ये ई साइन किया हुआ है और ई साइन जो अभी आपको वेरीफाई करना है उसके लिए आपको यहाँ पर एक क्लिक करना है और इसको ओपन विथ Uh, करो या सेवेज करके सेव करो उसके बाद में इसको ओपन विथ करना है फॉक्सिट रीडर के काफ़ी डेस्ट जो दोस्त हैं उनको मैंने उसका लिंक भी दे रखा है तो इस तरह से आप ये फाइल को किसी और ब्राउज में मीन्स फॉक्सिट रीडर में आप इसको खोल सकते हैं और वहाँ पर इसको सबसे पहले ई वेरीफाई करना होता है दोस्तों जैसे ही आप ई वेरीफाई करेंगे तो आपको ये बेनिफिट ये होगा बेनिफिट ये होगा कि आप जो बाद के चार डॉक्यूमेंट्स जो इनकम हैं और ये सब हैं इनको वेरीफ़ाई नहीं करना पड़ेगा ये ये वेरीफाई नहीं हुआ इस पर क्लिक करना है आपको सिग्नेचर प्रोसीजर में जाना है उसके बाद में बॉक्स आता है सो सर्टिफिकेट में जाना है ऐड टू ट्रस्ट करना ओके करना है और ओके करके बाहर आ जाना है ये सारा आप करेंगे तो यहाँ पर वापस क्लिक करते ही आपका ये ई साइन हो जाएगा ये दो दोस्तों ई साइन हो गया तो यही प्रोसीजर है सभी का मैंने दूसरे वीडियो में बता रखा है तो ये ई e साइन एक बार होने के बाद आपको किसी भी डॉक्यूमेंट इसके बाद अब ये ई e साइन हो गया है अब आपको वापस कहीं भी अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो ये बताएगा कि आपने ई e साइन कर रखा है जैसे कि हम जा रहे हैं इसको ई e साइन करने जा रहे हैं ये ई e साइन कर लिया है हमने तो अब इसको अपन अपलोड करते हैं अपलोड करने के ऑप्शन में जहाँ जाते हैं अपन वहाँ देखते हैं वहाँ इस डॉक्यूमेंट को अपन को ये जो नंबर है यूनिक नंबर काफ़ी दोस्तों को ये भी दिक्कत आई थी कि ये जो सेल्फ़ डिक्लरेशन है इनकम है इसमें यूनिक नंबर क्या डालें तो आप सभी में जीरो जीरो करके यूनिक नंबर डाल सकते हैं देखिए दोस्तों ये जो इसका नंबर है सर्टिफिकेट का वो डाल दिया है और किस डेट को ये सर्टिफिकेट बना वो यहाँ डाल देंगे ब्राउज कर देंगे ब्राउज में वो फाइल जो है जहाँ सेव हुई थी वहाँ से ले लेंगे यहाँ डेस्कटॉप पे सेव नहीं हुई है तो उसको सो जहाँ सेव हुई है वहाँ कैसे पता करें तो आप यहाँ डाउनलोड में जाएं इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ ओपन कंटेनिंग फोल्डर जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करें तो जहाँ ये यह फ़ाइल यहाँ से व्यू से हमने ओपन की थी वो कहाँ है वो उसको सेवेज करके या कॉपी करके आप डेस्कटॉप पे ला सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आप सबसे ऊपर वाले ऑप्शन से यानी कि मूल निवास की कॉपी को आप वेरीफाई कर देते हो तो उसके बाद में आई एंड के फॉरम है सेल्फ डिक्लेरेशन है वो सभी आपको दोबारा वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा वो पहले से इस मूल निवास के एक डॉक्यूमेंट के वेरीफाई होने से सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई माने जाएंगे तो दोस्तों इसको जैसे आप डाउनलोड करके वेरीफ़ाई करते हैं तो बाद में इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है एक ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा और वहाँ डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा तो उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड माने जाएंगे ऑटोमेटिकली जो सारा है लिस्ट वो वेरीफाई हो जाता है तो आपने जैसे ही अभी ये फॉक्जर में लेके वेरीफ़ाई किया था तो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाइड हो गए हैं तो अब आपको बार बार वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है और जितने भी डॉक्यूमेंट आप बाद में अब अपलोड करेंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाइड बताएंगे तो काफ़ी स्टूडेंट मींस काफ़ी बेरोजगारों के मैसेज आए हैं कि सर ऑलरेडी वेरीफाइड एग्जिस्ट बता रहा है देखिए दोस्तों ये अपलोड कर रहे हैं तो आपको मैसेज देखा दैट देखिए ये सभी के जो कॉमन मैसेज आ रहा वो यही है देखिए ये अपलोड किया है और अपलोड पर जैसे ही क्लिक किया है तो ये आ रहा है सिग्नेचर ऑलरेडी एग्जिस्ट ये दिक्कत सबको आ रही तो दोस्तों जैसे आप फॉर्म व्यू करके जो आप फॉर्म साइन करते हैं वो वेरीफाई हो जाता है वापस उसको अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है पहले ये था कि इसको अपलोड करें तो ये कुछ कैंडिडेट्स के हुआ था और मैंने भी किया था तो वेरीफाइड हुआ था लेकिन अब सभी के यही दिक्कत आ रही है तो दोस्तों जैसे हम देख रहे हैं इसमें आप जीरो 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 करके सेल्फ़ डिक्लेरेशन को फ़िलअप कर सकते हैं डेट किस डेट को किया वो डाल सकते हैं फिर ब्राउज करके और अपलोड कर देंगे तो ये अपलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ई साइन हो जाएगा इसको वापस ओपन करके भी हम दिखाएंगे कैसे ये ऑलरेडी ई साइन बता रहा है तो ये डॉक्यूमेंट इसकी डेट डाल दिया है सेल्फ़ डिक्लेरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है और सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर किया हुआ है स्कैन कर रखा है मैंने ये सेल्फ़ डिक्लेरेशन स्कैन किया हुआ फाइल सेलेक्ट हो गया है और इसको ये अपलोडेड कर दिया अब वापस इसको मैं खोल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये कैसे ई साइन हुआ हुआ है जो भी डॉक्यूमेंट एक बार ई साइन होने के बाद अपलोड करेंगे इस लिस्ट में वो ऑटोमेटिकली ई साइन हो जाएंगे तो आपको ई साइन के लिए डॉक्यूमेंट वापस से अपलोड नहीं करना है आप उस डॉक्यूमेंट को फॉक्सी ट्रीटर में एक बार ई साइन कर देते हैं और ग्रीन राइट का निशान आ जाता है तो मीन्स कि वो सारे डॉक्यूमेंट जो पीछे बचे हैं वो ई साइन हो गए देखिए दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप कैसे ये ई साइन होता है ये नोटरी हुआ जो सेल्फ डिक्लेरेशन है ये अनेक्शर वन है इसको देख सकते हैं आप ये एक साथ को जो है वेरीफाई हुआ है और ये पेंडिंग में पड़ा है अभी ई साइन होने के लिए ये दोस्तों यहाँ बता रहा है जैसे ही इसको फ़ॉक्स रीडर में जो ये एडोब रीडर की तरह एप्लीकेशन है उसमें ओपन करेंगे तो वहाँ ये ऑटोमेटिकली ई साइन बता देगा ये दोस्तों देखिए ई साइन ऑटोमेटिकली है ये इस तरीके से तो ये ई साइन हो गया है तो आप देख सकते हैं ये ई साइन का प्रोसीजर है ई e साइन हो गया अब आपको कोई ई e साइन करने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह से आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं ये दूसरा डॉक्यूमेंट है इसको भी जीरो जीरो करके यूनिक नंबर दे दीजिएगा कुछ भी डाल दीजिएगा अगर आप वन टू थ्री देंगे तो भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है हालांकि वन टू थ्री हो नहीं सकता क्योंकि ये सीरियल इस पर है नहीं जीरो जीरो करेंगे तो सामने वाले समझ जाएंगे कि इसकी कोई नंबरिंग नहीं है इसको भी आप अपलोड करेंगे यहाँ से अपलोड करने के बाद उसको वहाँ डाउनलोड करो तो ऐसे करके ये जो भी पांच डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ डिक्लेरेशन आई आई के बाद में के उसके बाद में एनेक्शर वन और उसके बाद में ये जो डॉक्यूमेंट्स बैंक पासबुक अगर आप पेंडिंग है तो लगा सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है वो वापस अपलोड कर सकते हैं और जो पहले से किए हैं उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी आपको सेल्फ डिक्लेरेशन इनकम आई एंड के जो खुद के नाम का होना चाहिए वो भरना है ये देखिए आप देख पा रहे हैं सब में ये ज़ीरो जीरो जीरो ये ज़ीरो जीरो ज़ीरो ये जीरो 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 एक जीरो भी लगा सकते हैं दो जीरो भी लगा सकते हैं तीन जीरो भी कर सकते हैं चार भी कर सकते हैं पांच भी कर सकते हैं वो अपन पे डिपेंड करता है आपकी जो सूटेबल हो वैसे कर सकते हैं इसमें कोई वो नहीं है ऑब्जेक्शन नहीं आएगा इसमें डेट जो जिस डेट को आपने किया है वो डेट आपको लगाना जरूरी है कि ये कब बनाएं जैसे मैंने एक जुलाई दो हज़ार जुलाई दो और एक जुलाई दो को ये सारे नोटरी कराए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैंने सारी जो डेट है वो आज की डाला है एक जुलाई दो हजार उन्नीस तो इस तरह से अब ये फाइनल जो सेल्फ डिक्लेरेशन जो है एट पॉइंट वन का बिंदु दो जिसको हम बोलते हैं वो सबसे नीचे ऑप्शन में चालू हुआ है इसके भी जीरो जीरो किया है और ये डेट जो है आज की इसमें भी डाल देते हैं और यहाँ पर इसको ब्राउज करके फाइल सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे एक बात दोस्तों जो फॉर्म हमने अपलोड किए हैं उसमें सभी फॉर्मों का आगे अपलोडेड अपलोडेड और अपलोडेड आया है ये फाइम सेलेक्ट हो गई ये अभी क्या अपलोडेड है ये भी अपलोडेड है ये अभी अपलोड हुआ नहीं है इसलिए अपलोड लिखा आ रहा है जो डॉक्यूमेंट नहीं किए वो अपलोडेड नहीं आते ओनली अपलोड लिखा आता है ये कर दिया है दोस्तों इसके बाद में आपको क्या करना सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में आप अगर चाहें तो वापस डॉक्यूमेंट कोई भी देख सकते हैं फॉक्सिट रीडर में दोस्तों और इसी एप्लीकेशन में ये शो होता है और वहाँ जाके आप देख सकते हैं तो साइन आपको मिल जाएंगे और साइन जैसे ही वेरीफाई हो जाता है तो आपको फिर से दोबारा उसको अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है जैसे ही अपलोड करेंगे तो वो ई साइन पहले से बताएगा तो आपको ओनली फॉक्सिट रीडर में अगर ई साइन बता दिया है तो वापस दोबारा किसी भी ऑप्शन में जाके इसको नहीं करना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं और ये जो ई e साइन जो प्रोसीजर है इससे सिंपल प्रोसीजर आपको नहीं मिलेगा और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा एक बार आप जो फॉक्सी रीडर हैं उसमें ओपन करेंगे और वहाँ आपका जो ग्रीन आ जाता है इसका जो फॉक्सी रीडर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ वहाँ से आप देख सकते हैं और डॉक्यूमेंटों को और कोई प्रोसीजर हो तो एक दो वीडियो का लिंक इसमें दे दूंगा मैं इस वीडियो के अलावा भी वो वीडियो आपको हेल्प करेंगे तो ये देख जैसे डॉक्यूमेंट वापस से मैंने देखा है और ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं ये ये जो अभी मैंने किया है एनसर इसको भी वेरीफाई करके देख सकते हैं ये ये डॉक्यूमेंट साइंड है आपको वापस से नहीं करना पड़ेगा अगर आपने पहले जो है वो कर रखा है तो इस तरह से देखते हैं ये करने के बाद आपको करना क्या है ये अपडेट का ऑप्शन है यहाँ अपडेट पे क्लिक करना है ये डॉक्यूमेंट सबमिटेड हो गया है एप्लीकेशन सबमिटेड लिखा आ रहा है सिटीजन के तौर पर और ये मैंने जैसे ही सबमिट किया तो ये इस तरह से टिक मार्क लगा के इसको ओके करना यहाँ पर सबमिटेड आ गया है मेरा फॉर्म सबमिट हो गया वापस इस पर क्लिक करता हूँ दोस्तों क्लिक करता हूँ फॉर्म कैसे आपको प्रिंट देना उसकी प्रक्रिया में बता देता हूँ ये क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्लिक करने के बाद ये सारी डिटेल्स जो है वो इसमें फिलअप हो गई है जो पहले भरा था जो आज भरा है सारी डिटेल आ गई और इस पर प्रिंट का ऑप्शन है आप प्रिंट दे सकते हैं तो इस तरीके से जो ये प्रोसीजर है इसको देखें आप करें समझें और अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं दोस्तों तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं दोस्तों और इस वीडियो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या बेरोज़गारी भत्ते से रिलेटेड कोई इश्यू है तो ज़रूर बताएँ इसी के साथ बने रहें हमारे साथ में थैंक यू दोस्तों और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें थैंक यू थैंक यू सो मच